हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको रोल्स के बारे में बताने वाला हूँ। ओरेकल डेटाबेस हमें एक रोल प्रोवाइड करता है जिसमें आप सिस्टम और ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस डाल सकते हैं उसके अंदर। या हम बोले रोल इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम प्रिविलेजेस एंड अ रोल कैन कंटेन अनदर रोल ऑल्सो। मैं आपको इस फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास तीन नॉर्मल यूज़र हैं और एक एडमिन यूज़र है। एडमिन यूज़र ने डेनिस यूज़र को क्रिएट टेबल का प्रिविलेज दिया, इसी तरह बिल यूज़र को भी उसने क्रिएट टेबल का प्रिविलेज दिया, और इसी तरह उसने लैरी यूज़र को भी क्रिएट टेबल का प्रिविलेज दिया। उसको यहाँ पे तीन अलग अलग काम करने पड़े। इसी तरह उसे अगर क्रिएट व्यू करने का प्रिविलेज देना है तो तीनों यूज़र को देना पड़ेगा, फिर क्रिएट सेशन का प्रिविलेज है तो तीनों यूज़र को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा काम जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक काम हम ये कर सकते हैं, ये प्रिविलेजेस का हम सेट बनाकर एक रोल को दे सकते हैं और वो रोल हम यूज़र्स को असाइन कर सकते हैं। तो क्या रोल में हम सिर्फ सिस्टम प्रिविलेज डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज नहीं डाल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक रोल में सिस्टम और ऑब्जेक्ट दोनों प्रिविलेजेस डाल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिस्टम प्रिविलेज एक रोल को दिए और वो रोल तीन यूज़र्स को असाइन किया, तो उन तीनों यूज़र्स के पास वो सारे प्रिविलेजेस अलॉट हो गए जो उस रोल के पास थे। तो एक रोल में हम क्या क्या डाल सकते हैं? सिस्टम प्रिविलेज डाल सकते हैं, लाइक क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल स्पेस, जो भी हमारे डेटाबेस में अवेलेबल कमांड्स हैं वो सारे प्रिविलेजेस सिस्टम प्रिविलेज कहलाते हैं, वो हम एक रोल में डाल सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट प्रिविलेज डाल सकते हैं, कोई अगर स्पेसिफिक यूज़र अपने किसी ऑब्जेक्ट पे कोई प्रिविलेज देना चाहता है किसी रोल को तो वो दे सकता है। फॉर एग्जांपल कोई यूज़र सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय से अपनी किसी टेबल का प्रिविलेज देता है रोल को, तो दैट इज़ पॉसिबल। एक रोल के अंदर आप दूसरा रोल भी असाइन कर सकते हैं, रोल कैन कंटेन अनदर रोल, बस वो एक साइकिल क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो एक रोल में हम सिस्टम, ऑब्जेक्ट और रोल तीनों अलॉट कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे डेटाबेस में कितने रोल हैं या किस यूज़र को कौन कौन सा रोल हमने असाइन किया हुआ है, या किस रोल में कौन से सिस्टम प्रिविलेज हैं या ऑब्जेक्ट प्रिविलेज हैं, या कौन से रोल हैं किसी रोल के अंदर। उसके लिए हमारे पास डिक्शनरी व्यू होती हैं, जैसे रोल अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर प्रिव्स। ये डिक्शनरी व्यू आपको बताएगा कि आपका एक रोल के अंदर कौन कौन से सिस्टम प्रिविलेजेस हैं, और रोल अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर प्रिव्स ये डिक्शनरी व्यू बताएगा कि स्पेसिफिक रोल के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हैं। रोल अंडरस्कोर प्रिव्स यानी किसी रोल के अंदर कौन से दूसरे रोल असाइन है वो ये बताएगा। डीबी अंडरस्कोर रोल में ये बताएगा ओवरऑल डेटाबेस में कितने रोल्स अवेलेबल हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए। डीबी अंडरस्कोर रोल अंडरस्कोर प्रिव्स टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द रोल असाइंड टू यूजर, यानी हमें ये देखना है कौन सा रोल किस किस यूज़र को असाइन किया गया है। उसके लिए हम लोग db underscore role underscore prefs का यूज़ करते हैं। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, बट हम सीधे कमांड पे आते हैं अपने SQL प्लस के, और हम यहाँ पे पूरे इस सिनेरियो को समझने के लिए, रोल के सिनेरियो को समझने के लिए हम लोग कुछ नए यूज़र और रोल्स का क्रिएशन कर लेते हैं। उसके लिए मुझे सेशन ऑल्टर करना होगा। सबसे पहले यूज़र हम सिस से कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, हम क्या कर लेते हैं ऑल्टर सेशन सेट ओरेकल स्क्रिप्ट इक्वल टू ट्रू। ये मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि हमें वो प्रीफिक्स न करना पड़े सी हैश हैश। और एक चीज़ का आपको ध्यान और रखना है, यूज़र और रोल सेम लेवल पे क्रिएट होते हैं तो उनके नेम क्लैश नहीं होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर ऑलरेडी स्टीव नाम से यूज़र है तो आप स्टीव नाम से रोल नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों का जो लेवल होता है, दोनों का जो नेम शेयरिंग होता है वो कॉमन होता है। तो सबसे पहले हम एक यूज़र बना लेते हैं, क्रिएट यूज़र, यूज़र नेम डेनिस, आइडेंटिफाइड बाय डेनिस। ओके, यहाँ पे हमने डेनिस यूज़र क्रिएट कर लिया। आप चाहे तो कोटा दे सकते हैं यहाँ पे, अगर हमें कोई टेबल क्रिएट करनी पड़ी तो हमें ये कमांड अलग से नहीं देना पड़ेगा। हमने 10 MB का कोटा उसे दे दिया है यूज़र्स टेबल स्पेस पे। ओके, ऑन कीवर्ड आई स्किप्ड हियर। एक यूज़र और बना लेते हैं, क्रिएट यूज़र, यूज़र नेम बिल, आइडेंटिफाइड बाय बिल,
इसको भी कोटा दे देते हैं यूजर्स. ओके सो वी हैव क्रिएटेड टू यूजर्स बट दे डू नॉट हैव एनी प्रिविलेजेस. सो व्हाट शुड वी डू, वी शुड क्रिएट अ रोल फर्स्ट. क्रिएट रोल, रोल नेम. रोल नेम जैसे आपने दे दिया सपोज यहाँ पे आईटी मैनेजर. आप इसमें भी आइडेंटिफाइड लगा सकते हैं, मैंने इसका पासवर्ड दे दिया एबीसी. बट एक रोल में पासवर्ड का क्या काम है इसको हम लोग आगे समझेंगे, बट आप लगा सकते हो फिलहाल के लिए ये देखते हैं. तो मैंने एक रोल बनाया आईटी मैनेजर और उस रोल में मैंने क्या किया, ग्रांट क्रिएट टेबल टू आईटी मैनेजर. क्रिएट टेबल एंड क्रिएट सेशन टू आईटी मैनेजर. ओके तो मैंने क्या किया, क्रिएट टेबल और क्रिएट सेशन का प्रिविलेज आईटी मैनेजर को दे दिया. आईटी मैनेजर हमारा एक रोल है जो अभी अभी हमने बनाया था. तो हम ग्रांट कर देते हैं ग्रांट आईटी मैनेजर टू डेनिस. आप यहां पे विथ एडमिन ऑप्शन लिख सकते हैं, यानी ये रोल डेनिस किसी आगे किसी को दे सकता है या नहीं आप यहां से बता सकते हैं, ठीक है. बट फिलहाल मैं उसे इतना ही रहने देता हूं. डेनिस को और बिल को हमने ये प्रिविलेज दे दिए. तो दैट इज पॉसिबल, हम लोगों ने क्या किया, डेनिस और बिल को ये प्रिविलेजेस दे दिया. ओके अब यानी डेनिस और बिल के पास ये प्रिविलेजेस हैं, आप इनको चेक कर सकते हो कि ये रोल किस किस को अलॉट हुआ है. DSC DB अंडरस्कोर रोल अंडरस्कोर प्रिव्स. इस व्यू से आप ये देख सकते हो कि आपने आईटी मैनेजर जो रोल है वो किस किस यूजर को दिया. इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले हम लोग अपने कॉलम फॉर्मेट कर लेते हैं. ग्रांटी फॉर्मेट A10 कॉलम ग्रांटेड रोल फॉर्मेट A10 कॉलम एडमिन ऑप्शन फॉर्मेट A10 सेलेक्ट ग्रांटी कॉमा ग्रांटेड रोल कॉमा एडमिन ऑप्शन फ्रॉम DB अंडरस्कोर रोल अंडरस्कोर प्रिव्स. वेयर ग्रांटेड रोल कौन सा है, आईटी मैनेजर. ओके गाइस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप डेटा मैच करो डिक्शनरी व्यू के साथ लिटरल में तो वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए कंपैरिजन. तो हमने जो आईटी मैनेजर रोल दिया है वो डेनिस को दिया है और बिल को दिया है. ऑब्वियसली ये सिस यूजर का ओन्ड है तो उसके पास भी ये रोल अलॉटेड है. तो अब हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने डेनिस यूजर से. ओके तो आई थिंक उसके पास क्रिएट सेशन का प्रिविलेज रोल के थ्रू है. ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने पासवर्ड ऑथेंटिकेट किया था डेनिस और बिल को, तो हम लोग वापस सिस से कनेक्ट कर लेते हैं. SysDB और ग्रांट कर देते हैं क्रिएट सेशन टू डेनिस. ओके कनेक्ट करते हैं डेनिस से. ओके तो यहां पे हमें क्या करना होगा, सेट रोल, रोल नेम. हमारा रोल नेम था आईटी मैनेजर आइडेंटिफाइड बाय ABC. मैंने ये पासवर्ड दिया था, ये रोल इनेबल हो गया, सेट हो गया, यानी इसके प्रिविलेज अब डेनिस एक्सेस कर सकता है. ये कमांड आपको सेशन बेस्ड चलाना होगा, यानी रोल को इनेबल करने के बाद अगर आप वापस लॉग आउट होते हो तो वो डिसेबल हो जाता है, वापस आपको इसे इनेबल करना होगा. तो अब डेनिस के पास कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं, कौन कौन से प्रिविलेजेस उसके पास हैं, उसको देखने के लिए हमारे पास व्यू है DSC यूजर अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर प्रिव्स. तो यहाँ पे सिलेक्ट यूजर नेम कॉमा प्रिविलेज कॉमा एडमिन ऑप्शन फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर प्रिव्स. ये प्रिविलेज, ये व्यू कब देखते हैं, जब यूजर के पास हमें ये देखना हो कौन कौन से सिस्टम प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं, राइट. तो हमने उसे क्रिएट सेशन दिया हुआ है और इसके पास हमें ये देखना है कि इसके पास DSC रोल अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर प्रिव्स, यानी किस रोल में कौन कौन से सिस्टम प्रिविलेजेस हैं वो हमें देखना है. तो सिलेक्ट रोल कॉमा प्रिविलेज
फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर प्रेस, राइट। सॉरी, ये डिक्शनरी व्यू मैंने गलत लिख दिया, मुझे क्या देखना है, रोल अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर प्रेस। तो ऑब्वियसली इसके पास जो रोल है वो आईटी मैनेजर है, और उसमें जो प्रिविलेज है क्रिएट टेबल एंड क्रिएट सेशन। इसका फॉर्मेट आप सेट कर लीजिए, कॉलम कॉलम नेम फॉर्मेट A20, कॉलम कॉलम नेम A20। ओके, तो इसके पास कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं, आईटी मैनेजर रोल है इसके पास, और उसमें क्रिएट टेबल और क्रिएट सेशन का प्रिविलेज है, यानी ये टेबल क्रिएट कर सकता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम कोई भी टेबल यहाँ पे हम दे देते हैं, सपोज हमने दे दिया EMP ID नंबर एंड नेम, एक सैम्पल टेबल हमने यहाँ क्रिएट कर ली, हमने कोटा ऑलरेडी दे रखा है, तो हम इस टेबल में डेटा ऐड कर सकते हैं। कमिट कर लेते हैं इसको और सिलेक्ट करके देखते हैं, तो हमारे पास ये टेबल है। क्रिएट टेबल का प्रिविलेज इस यूज़र के पास कैसे आया, रोल के थ्रू आया। अगर हमें ये देखना है कि स्पेसिफिक रोल में कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिविलेज है, तो हम वो भी देख सकते हैं, DSC क्या करेंगे हम लोग, रोल टैब अंडरस्कोर प्रिव्स। ऑब्वियसली अभी कोई भी हमारा प्रिविलेज उसमें नहीं है, ओनर टेबल नेम कॉमा प्रिविलेज, और आगे ग्रांटेबल है कि नहीं वो भी देख सकते हैं। तो रोल के अंदर कौन सा टेबल ऑब्जेक्ट प्रिविलेज है वो देखने के लिए कोई प्रिविलेज नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, ग्रांट सेलेक्ट ऑन EMP जो टेबल अभी अभी हमने बनाई उसको IT मैनेजर में डाल देते हैं, है ना, टू इज द कीवर्ड। तो अब अगर हम वो व्यू देखें जो अभी नो रो सेलेक्ट आ रहा था, तो यहाँ डेटा आ रहा है, फॉर्मेट एक बार सेट कर लेते हैं, ओनर फॉर्मेट A20 यानी 20 कैरेक्टर्स में दिखाएं, कॉलम टेबल नेम फॉर्मेट A20, सेट लाइन साइज कर लेते हैं क्योंकि ये कम लाइन में डेटा आ रहा है, तो हम आ रहा है आईटी मैनेजर जो रोल है उसमें एक सिलेक्ट करने का प्रिविलेज EMP टेबल पे है, जिसका ओनर कौन है, डेनिस। अब ये रोल हम लोगों ने डेनिस और बिल को दिया था, अगर यहाँ बिल कनेक्ट करना चाहे तो बिल अभी कनेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने उसे रोल दिया है, वो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार वापस इस DBA से कनेक्ट करते हैं और ग्रांट कर लेते हैं क्रिएट सेशन टू बिल, ताकि वो कनेक्ट कर पाए। ओके, और रोल को आपको क्या करना होगा, इनेबल। तो सेट रोल, रोल नेम आइडेंटिफाइड बाय ABC। ओके, अब अगर हम सिलेक्ट करना चाहें, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम Dennis.EMP, तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि रोल में एक ऑब्जेक्ट प्रिविलेज दिया हुआ है, और हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि इसके पास जो है जो वो प्रिविलेज है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। Dennis के पास, Dennis ओनर है उस क्या कहते हैं टेबल का, जिसमें जो हम लोगों ने प्रिविलेज रोल के दिया हुआ है आईटी मैनेजर, अभी इस वक्त हम लोग कनेक्ट हैं बिल से, क्योंकि बिल के पास ये रोल का प्रिविलेज है, है ना, हम लोगों ने चेक भी किया था यहाँ से। मैंने कौन सा व्यू बताया था आपको, DB_role_privs, ये क्या बताएगा कि कौन सा रोल किस किस को दिया गया है, है ना। तो ग्रांटी, ग्रांटेड रोल फ्रॉम DB_role_privs वेयर ग्रांटेड रोल इक्वल टू वॉट आईटी मैनेजर, ये मैंने बताया आपको, कैप्स में ही कंपेयर करेंगे आप। तो Dennis और बिल को ये रोल दिया गया है, और आईटी मैनेजर में हमने क्रिएट टेबल क्रिएट सेशन डाला हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट प्रिविलेज भी Dennis ने उसमें डाला है, सिलेक्ट ऑन एम्प्लॉयज। तो क्योंकि ये रोल बिल के पास भी है, अलॉटेड है, तो बिल उस ऑब्जेक्ट प्रिविलेज को एक्सेस कर सकता है। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि एक रोल के अंदर हम ऑब्जेक्ट प्रिविलेज और सिस्टम प्रिविलेज डाल सकते हैं। अगर कोई रोल ऑथेंटिकेटेड है, कोई रोल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो उसको आपको इनेबल करना होगा। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ही हम लोग कनेक्ट करते हैं बिल से, है ना, वो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम Dennis.EMP करेगा, तो एग्जिस्ट नहीं है क्योंकि हमें उस रोल को इनेबल करना होगा, राइट।
क्योंकि वो रोल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आईटी मैनेजर, सेट रोल आईटी मैनेजर आइडेंटिफाइड बाय एबीसी, तो आप अगर उसे सिलेक्ट करेंगे अभी तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो रोल इनेबल हो जाएगा। तो क्या हम किसी रोल में दूसरा रोल असाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग एक और रोल बनाते हैं, उसके लिए हमें SSDBA से कनेक्ट करना होगा क्योंकि वो प्रिविलेज अभी इसी के पास है। तो क्रिएट रोल, रोल नेम आपने दे दिया, सपोज अकाउंटिंग या कुछ आईटी एडमिन दे देते हैं इसको। ओके, इस रोल को हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रखते हैं, सीधे ही हमने क्रिएट रोल, रोल नेम दे दिया। आई थिंक ये रोल ओके, मुझे क्या करना होगा, सेशन ऑल्टर करना होगा, वरना वो C# प्रीफिक्स करना होगा। ओरेकल स्क्रिप्ट ट्रू। ओके, अभी वो रोल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। और ये रोल हम क्या करते हैं, इस रोल में हम लोग कुछ प्रिविलेज दे देते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिएट व्यू, क्रिएट प्रोसीजर टू आईटी एडमिन। ओके, और ग्रांट कर देते हैं आईटी एडमिन रोल को टू आईटी मैनेजर। ओके, तो हमने क्या किया, एक नया रोल बनाया आईटी एडमिन। तो आईटी मैनेजर में ऑलरेडी सिस्टम प्रिविलेज है, क्रिएट टेबल एंड क्रिएट सेशन, और उसमें एक ऑब्जेक्ट प्रिविलेज भी है सिलेक्ट ऑन डेनिस की एम्प्लॉय टेबल का। अब हमने उसमें एक रोल भी डाल दिया आईटी एडमिन। आईटी एडमिन में कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं, क्रिएट व्यू एंड क्रिएट प्रोसीजर। ओके, तो अगर हम लोग ये देखें DSC रोल के अंदर कौन से रोल हैं, तो ये डिक्शनरी व्यू है, रोल अंडरस्कोर प्रिव्स। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट रोल कॉमा ग्रांटेड रोल फ्रॉम रोल अंडरस्कोर प्रिव्स वेयर रोल इक्वल टू आईटी मैनेजर, है ना। तो आईटी मैनेजर में हमने कौन सा रोल असाइन किया हुआ है, आईटी एडमिन। अब डेनिस के पास ऑलरेडी आईटी मैनेजर रोल है, यानी क्रिएट टेबल वो कर सकता है, क्रिएट सेशन कर सकता है, और उसने खुद एम्प्लॉय टेबल का सिलेक्ट उसमें दिया है। अब इस रोल के अंदर हमने आईटी एडमिन भी डाल दिया, यानी आईटी मैनेजर रोल जिसको अलॉटेड है वो आईटी एडमिन के प्रिविलेजेस भी यूज़ कर सकता है, जो हमने यहाँ पे दो प्रिविलेज आईटी एडमिन को दिए, क्रिएट व्यू एंड क्रिएट प्रोसीजर। यानी अगर डेनिस चाहे, हमें इनेबल करना होगा सेट रोल आईटी मैनेजर आइडेंटिफाइड बाय एबीसी, हमने सेट कर लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके पास कौन कौन से सिस्टम प्रिविलेजेस हैं रोल के थ्रू। तो सिलेक्ट डिस्क्राइब कर लेते हैं, हमारे पास है रोल अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर प्रिव्स। ओके, तो सिलेक्ट रोल कॉमा प्रिविलेज फ्रॉम रोल अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर प्रिव्स। तो इसके पास कौन कौन से प्रिविलेज आ गए, क्रिएट सेशन और क्रिएट टेबल तो था ही, आईटी एडमिन रोल हमने सीधे डेनिस यूज़र को नहीं दिया था, बट उसके पास आ गया क्योंकि ये रोल आईटी एडमिन जो रोल है आईटी मैनेजर को दिया गया है, ये ऑटोमेटिकली उन यूज़र्स को अलॉट हो जाएगा जिनके पास आईटी मैनेजर रोल दिया गया है। यानी अगर ये रोल, ये यूज़र चाहे तो व्यू क्रिएट कर सकता है। तो हमने एक EMP टेबल बनाई थी, तो मैंने कहा क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज सिलेक्ट, सिर्फ नेम हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट नेम फ्रॉम EMP। ओके, तो ये व्यू क्रिएट कर पा रहा है क्योंकि ये प्रिविलेज उसके पास आईटी एडमिन प्रिविलेज के थ्रू इनडायरेक्टली आया है, क्योंकि उसके पास आईटी मैनेजर है और आईटी एडमिन जो है आईटी मैनेजर में ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो गाइस आपने यहाँ पे ये देखा, रोल इज कलेक्शन ऑफ प्रिविलेज। रोल में हम लोग टेबल सिस्टम प्रिविलेज भी डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज भी डाल सकते हैं, और एक दूसरा रोल भी डाल सकते हैं। एक रोल को पासवर्ड प्रोटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जब भी आप उसको लॉगिन करेंगे किसी यूज़र से, उसके पास अगर वो रोल है और उसको उस रोल के प्रिविलेज एक्सेस करने हैं, तो उस रोल को सेट करना होगा, उस वक्त वहाँ उसे पासवर्ड बताना होगा। तो यहाँ गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको व्यू पढ़ाने वाला हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यूज़ के बारे में. व्यूज़ हमारे डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होते हैं टेबल्स पे, तो उसको हम लोग वहाँ काफ़ी ब्रीफ में पढ़ेंगे. इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.